नमस्कार दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कला परिक्रमा कार्यक्रम में हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली की ललित कला अकादमी की गैलरी नंबर 2 और 3 में, जहां वरिष्ठ कलाकार अमृत पटेल की एकल प्रदर्शनी चल रही है। अमृत पटेल की पहचान एक अमूर्त चित्रकार के रूप में है। पिछले लगभग 5 दशक से वह अपने अमूर्त चित्रों से कला जगत को मोहित करते रहे हैं। हर बार उनकी कला में एक नया निखार, कुछ नए तत्व हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रदर्शनी में भी हैं। कला हमें अपने वर्तमान से, अपनी स्थिति से मुक्त करती है। किसी चित्र या शिल्प को रचने और देखने के दौरान हम पाते हैं कि हम जो पहले थे वह नहीं है। एक कलाकार जब कोई चित्र रचता है तो रचने से पहले वो जो होता है वो चित्र रचना के समय वह नहीं होता है। इसी प्रकार एक दर्शक जो चित्र को देखने से पहले होता है, चित्र को देखने के बाद वो अपनी उस स्थिति से मुक्त होकर एक नई स्थिति में पहुंच जाता है, जो उसके चित्र का अनुभव होता है। यदि हम कहें कि जो पहले थे, उसका अर्थ है कि हम कलाकृति के साथ कोई संबंध नहीं बना पाए थे। यदि हम संबंध नहीं बना पाए तो फिर हम पूर्ववत स्थिति में होते हैं, लेकिन जब एक कला के साथ हम संबंध बना लेते हैं तो हम उस कला के साथ एक दूसरी स्थिति में पहुँच जाते हैं। क्यों? कि कला हमें बांधती नहीं है, वह हमें अपने वर्तमान से मुक्त करती है, अपनी स्थिति से मुक्त करती है। एक मुक्ति ही कलाकार का अभीष्ट होता है और होना भी चाहिए। अमृत पटेल की कला रूप से मुक्ति की कला है। वह एक तरह से आकार से निराकार में विलीन हो जाने की कला है। इस प्रक्रिया में रूप का बंधन टूट जाता है। यह अलग बात है कि रूप का बंधन दृश्य या अदृश्य रूप में फिर भी बना रहता है। वह पदार्थ की जगह भाव के स्तर पर अस्तित्वमान रहता है। जैसे चीनी का एक रूप है पर मिठास का कोई नहीं, कुछ वैसी ही प्रतीति अमृत पटेल के चित्रों को देखते हुए होती है। अमृत पटेल की कला से साक्षात्कार वर्तमान से साक्षात्कार भर नहीं है। वह अपने चित्र संसार में ऐसे रूपों का सहारा नहीं लेते हैं जिनसे हम वर्तमान को चिन्हित कर सकें, वह उसका सिर्फ संकेत करते हैं। अपनी अमूर्त संरचनात्मक अंकन शैली में वह ऐसी संरचनाओं को जन्म देते हैं जो वर्तमान के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का सांकेतिक प्रतिनिधित्व करती हैं। पर उनकी कला इसके साथ ही वर्तमान की अंगुली पकड़कर अतीत में टहलने भी चली जाती है और दर्शकों को भी अपने साथ ले जाती है। उनके यहाँ कई बार ऐसे निराकार संकेत मिलते हैं जो वर्तमान से अधिक ऐतिहासिक संदर्भ की दिशा में संकेत करते प्रतीत होते हैं। कोई भी चित्र अंततः एक रूप में ही परिघटित होता है और इसीलिए वह दृष्टिबंध का कारण हो जाता है। इसीलिए अरूपित चित्र यानी अमूर्त चित्रों व प्रतिमाओं में भी हम रूप का बंधन उनके चरित्र में स्वतः जागृत पाते हैं। संकल्पनाओं, भाव जगत और अनुभवों की पृष्ठभूमि भावक यानी दर्शक को इस अरूप में या अमूर्त में जो रूप समाहित है उसमें बांधती है। वो रूप जो भाव और विचार के स्तर पर उसमें अवस्थित होता है, यही कला का अंतर्विरोध है कि वह रूप के बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया में भी बंधन का ताना बाना बुनती जाती है। भारतीय दर्शन और अध्यात्म इसी दिशा में पहले ही संकेत कर चुके हैं। दुनिया के सभी धर्मों और दर्शनों में इस तरफ संकेत किया गया है, पर कथित आधुनिकता के तमगे की प्रत्याशा में हम उसकी अनदेखी करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक अवधारणाओं में ब्रह्म की संकल्पना, मंत्र शक्ति और ध्वनि शक्ति जो है, ध्वनि का प्रभाव इस बात के प्रमाण है। शून्यवाद का रूप जो है वो भी अरूप यानी अमूर्त के द्वैत का ही एक रूप है। अमृत पटेल के चित्रों को देखते हुए हम इन सब से साक्षात होते हैं। यह एक विशेषता है कि अमृत पटेल अपने यहाँ आकारों से, जो जाने पहचाने आकार हैं, जो मानवीय आकार हैं, उनसे तो मुक्त होते हैं, पर उनके यहाँ आकारों का जो आपसी जुड़ाव है, कई चित्रों में हम देखते हैं कि उनके यहाँ दो अलग अलग संरचनाएं आपस में सम्मिलित हो रही हैं, मिल रही हैं। एक तरह का सामाजिक वातावरण वो अपने मिलन से बनाती हैं। यही उनका वर्तमान है और यही शायद मानव जाति का अतीत भी है, इतिहास भी है, कि वह अलग अलग होकर भी यानी
विभिन्नताओं के बीच भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसी जुड़ाव को अमृत पटेल अमूर्त चित्रों में अपने अमूर्त अंकन में रंगों के संयोजन से, उनके टेक्सचर से, उनके संयोजन से करके और प्रस्तुत करते हैं। अमृत पटेल की कला शैली की एक विशेषता, उनका अमूर्तन तो है ही, एक बड़ी विशेषता यह है कि वह रंगों की पारदर्शी लहरों का सतहों का प्रयोग करते हैं, उनकी पारदर्शी परतों का प्रयोग करते हैं और कई बार लहरों की तरह ऐसा लगता है कि जैसे उनके यहाँ एक पानी की जैसे लहर बहती है, ठीक उसी तरह एक अमूर्त रूप जो है वो बह रहा है और बहते बहते वो किसी दूसरे रूप में शामिल हो जा रहा है या फिर कई बार वो दूसरे रूप में परिवर्तित भी होता दिखाई देता है। हल्की गहरी रंगत के साथ कई बार वहाँ विभ्रम होता है किसी जाने पहचाने आकार का, हालांकि वो आकार वहाँ स्पष्ट नहीं है लेकिन वहाँ उसका एक संकेत मिलता है। यह अमूर्तन में मूर्तन की स्थापना की उनकी एक अनोखी शैली है। बहुत कम ऐसा होता है लेकिन हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करते चलते हैं कि ये जो अमूर्त संसार है, जो संसार की अमूर्तता है, वह कहीं ना कहीं इस मूर्त से ही निहित है। इसीलिए हम पाते हैं कि उनके चित्रों में हमें एक अनोखी प्रतीति होती है।